नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीयू न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद वैस। उधम सिंह नगर जिले के एक हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जिसमें एक सिपाही ने शराब के नशे में अपनी कार से आधा दर्जन लोगों को टक्कर मार दी और मौके से फरार होने लगा, जिसके बाद लोगों ने सिपाही का पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया और घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सिपाही विनोद कन्याल को हिरासत में ले लिया और उसका मेडिकल करवाने पुलिस के बताया कि सिपाही विनोद कन्याल उधम सिंह नगर जिले के ADDF की टीम में तैनात था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो निलंबित चल रहा था। सिपाही को हिरासत में लेकर मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। कार चलाते हुए कुछ मल्टीपल लोगों को एक्सीडेंट टक्कर मारा गया, उसमें उनमें से कुछ लोग एडमिटेड है, दो तीन लोग, और कुछ लोग जो है छोटे छोटे मतलब वुंड से इलाज ले रहे हैं। अभी जाँच का विषय है कि एक निलंबित कांस्टेबल विनोद कन्याल है, वो निलंबित भी है और प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र भी है, अंडर ट्रांसफ़र है, उसकी रवानगी भी हो चुका है दूसरे जनपद के लिए।